Now my both the sons, they are through with the study. Second one is about to be through now. अब खत्म होने वाला उसका और दो साल की पढ़ाई रहेगी. तो I thought कि मैं अपनी बीवी के साथ, because I love my wife, तो एटलीस्ट मेरे को तो मतलब लोग इसको कहते हुए शर्माते हैं, पर मैं नहीं शर्माता इस बात को कहते हुए कि मेरा फर्ज बनता है कि हम दोनों अपनी लाइफ को एंजॉय करें. तो इसलिए हमने फिर ये मेरा बड़ा मन था कि एक हॉलीडे पैकेज लूँ. तभी रिसेंटली आई सेंट इंक्वायरी, तो मेरे पास लोग आए, तो मैंने इमीडिएटली विदाउट थिंकिंग एनीथिंग मैंने इसको ले ही लिया. गोवा अच्छा था, फिर वहाँ पे मेरा बेटा आ गया, उसकी वजह से मुझे और भी मज़ा आया क्योंकि वो बेंगलोर में रहता है, तो उसने हमें ज्वाइन कर लिया था गोवा में. तो मैंने उसके साथ इंजॉय किया, बीचेस वगैरह इंजॉय की. या यू रियली गेट टू नो अ प्लेस, इफ़ यू गो टू अ न्यू प्लेस वी लाइक टू नो अबाउट पीपल, देयर कल्चर, देयर रिलीजन और व्हाट दे ईट, द गुड प्लेसेस टू ईट देयर. सो यू एंजॉय योर सेल्फ अलॉट विद योर फ्रेंड्स एंड you get to know that place better. So you come from a different place and get to know a place better. वो तो कहते हैं जहाँ बस आप घूमो, आप चिल करो. अब my elder son he always asks me, now you chill yourself. Don't worry, chill. तो अभी देखो आता है तो he enjoyed. तो मैंने अभी कह रहा हूँ ऊटी जाऊँगा, तो फिर कहेगा मैं बेंगलोर से ऊटी में आ जाऊँगा.